अक्वाम मुत्तहिदा के मुआशी समाजी उमूर के महकमे के जरिए दी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रेस्किट उनवान से जारी 2023 रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में ग्लोबल प्रोडक्शन 2022 में मुमकिन 3% से घटकर 1.9% रहने का अंदाजा है, जो हाल की दहाइयों में सबसे कम शरह तरक्की में से एक होगा। अक्वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने संगीन रिवायती तौर से मजबूत झटकियों की एक सीरीज को फहरिस्त बंद किया है, जिनमें कोविड-19 वबा, यूक्रेन में जंग और इसके नतीजे में फूड तवन्नाई बहरान, महंगाई में इजाफा, खर्च में कमी, साथ ही 2023 में ग्लोबल प्रोडक्शन इजाफे में मुमकिन गिरावट के पीछे माहौलियाती इमरजेंसी शामिल है और इसके अलावा एक मायूस कुन और गैर यकीनी मुआशी नजरिया पेश करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी तरक्की 2024 में मामूली तौर से 2.7% तक पहुंचने का अंदाजा है, क्योंकि मुश्किल हालात में कुछ बेहतरी होने लगी है। हालांकि ये शदीद मॉनिटरी सख्ती यूक्रेन में जंग के हालात और नतायज पर मुनहसर होती है। शहरी कारी का वक्त नहीं है, जो नाबराबरी और तकल्लुफ बढ़ाता है और SDG को पहुंच से बाहर कर सकता है। ये सख्त वक्त सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा करता है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में एक इनकलाबी SDG हौसला अफजाई पैकेज शामिल है, जो सभी स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाही और ठोस कोशिशों से तैयार हुआ है।